तो जो पहली मेरी लर्निंग है वो ये कि रिचुअल्स आर नॉट द एंड ऑल एंड द बी ऑल. रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, रिचुअल्स आर क्रिटिकल इन लाइफ, दे गिव यू द डिसिप्लिन, दे गिव यू द नेसेसरी फॉर्मेट इन लाइफ, बट दे आर नॉट द एंड ऑल एंड द बी ऑल. देर इज समथिंग मोर टू इट देन द रिचुअल्स. प्लीज कीप दिस इन माइंड, ट्राई एंड फिगर दैट आउट. आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट माई सेल्फ ऑल्सो, बट यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ एज वेल. नंबर टू लर्निंग, यू नीड टू नाउ एस्टैब्लिश एंड रियलाइज हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड वेन यू आर नो लॉन्गर अराउंड इन दिस वर्ल्ड. एंड ऑल योर एक्शंस शुड बी ड्रिवन टू द फैक्ट दैट यू नो यू विल बी रिमेंबर्ड द वे यू वॉन्टेड टू बी रिमेंबर्ड वेन यू आर नॉट हियर. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग. एंड उसकी वजह से आपके सारे एक्शंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलने लगेंगे. ये अपने जहन में रखिएगा. नंबर थ्री, गुडनेस इन पीपल. मेरा तो जिस तरह मैंने आपसे कहा पक्का ईमान इसके ऊपर है कि लोग अच्छे लोग होते हैं, उनसे आप अच्छी तरह डील करें. बाज़ औक़ात कुछ उल्टी सीधी बात भी हो जाती है, बट अगर आप उससे सही तरह डील करें तो दे कम अराउंड एंड डिलीवर एज वेल. तो वो गुडनेस ऑफ पीपल जो है ना उसको ढूंढिए, अपने अंदर भी ढूंढिए और दूसरों में भी ढूंढिए. वो मेरे नाना सैयद मोहम्मद तकी साहब जो फिलोसोफर थे बहुत बड़े, वो कहा करते थे बड़ी खूबसूरत बात, वो कहते ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल. अगर तुम उसको हाफ एम्प्टी देखोगे ना कभी भी खुश नहीं रहोगे जिंदगी में. सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट पीपल, गुडनेस ऑफ पीपल. नंबर फोर, एरोगेंस. जब भी ये सर उठाए ना इसका सर फौरन कलम कर दीजिए, बिकॉज एरोगेंस इज वन थिंग जो ना सिर्फ आपको मारती है बल्कि वो आपके साथ दूसरे लोगों का भी बहुत शदीद नुकसान करती है. मेरा जो एयर क्रैश था उसमें एरोगेंस का बहुत बड़ा हाथ था, और आप देखिए उसका नतीजा क्या हुआ कि 100 इनोसेंट लाइव्स वेंट अवे. टू पीपल हु लेफ्ट बिहाइंड दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स टू डील विद. कितना बड़ा जुल्म है ये एरोगेंस की वजह से हुआ. सो प्लीज एरोगेंस को अपनी जिंदगी में कभी मत आने दीजिए. अच्छा जी, पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और थोड़ी सी कुछ सीरियस डिस्कशन हो गई है, थोड़ा सा इसको लाइट भी कर लेते हैं. जो पांचवा है वो है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट टू द पीपल हु रिलाई ऑन यू फॉर एनी हेल्प एंड एडवाइस. प्रॉब्लम क्या है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी, हमारे जब ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तो हम प्रोफेसर साहब साहिबान को ब्लेम करने लगते हैं. वो अपनी बेगम से झगड़ा करके आए थे तो देखे जी मेरा उन्होंने रिजल्ट खराब कर दिया. मैं तो पेपर बड़ा अच्छा, हैदर मैंने तो पेपर बड़ा अच्छा किया था, खराब कर दिया मेरे प्रोफेसर ने. तो दिस इज, वी नीड टू कम आउट दैट माइंड सेट एंड रियलाइज कि हम में ही गलती थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ. सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्व्स कि हमारे अंदर क्या गैप था. एंड टू ऑनेस्ट टू द पीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल काम यही है, ऑनेस्ट टू द पीपल दैट हु आर बैंगिंग टूवर्ड्स यू फॉर हेल्प, हु आर लुकिंग अप टू यू फॉर हेल्प. उनको एडवाइस दीजिए इन ऑल सिंसेरिटी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन एक्सपेंस. जिस दिन आपने ये अचीव कर लिया, यकीन मानिए यू विल डिवेलप अ काइंड ऑफ लव विद द पीपल विच विल बी अनब्रेकेबल. नंबर सिक्स, क्लियर ऑल योर ड्यूज. अच्छा मैं यहां पर जो है ना वो पैसों की बात नहीं कर रहा, वो तो मैं कर ही रहा हूं. जिसको आपने पैसे वापस करने फौरन वापस कीजिए, और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है ना उसमें तो एक्सेस पैसे रखा करें. बैंकों को बड़ी पैसों की जरूरत है, आपसे बड़ी मेहरबानी की गुजारिश है. सो बट मैं जो यहां बात कर रहा हूं वो इमोशनल डेट्स की बात कर रहा हूं. देखिए अगर आपको किसी को ये कहना है, और ये सोच लीजिएगा अपनी क्लास में भी, अगर लड़की को कुछ कहना है तो कह दीजिएगा, लड़की को लड़के को कहना है तो कह दें आई लव यू, क्योंकि शायद आपको दोबारा ये चांस ना मिले. अगर आपकी अपनी माँ को अपने बाप को ये कहना है तो कह दें, उसका इंतजार ना करें. अच्छा जी, नंबर सेवन, मिरेकल्स पे मेरा कोई ईमान नहीं था. मैंने कहा मिरेकल सिरेकल कुछ नहीं होते, ये तो ऐसी की बात है. बट जो मेरे साथ हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ मिरेकल, इट इज गॉड्स मिरेकल, वेदर वी लाइक इट और नॉट. ये सिर्फ एक मिरेकल ही हो सकता है, अदरवाइज मेरे पास का कोई प्लॉजिबल रीजन नहीं है. हालांकि कुछ हमारे दोस्त प्लॉजिबल रीजन का ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैंने वो कोशिश भी नहीं की.
और मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा कोई फेथ नहीं था मिरेकल्स पे, बट मैं तो खुद प्रोडक्ट हूँ मिरेकल का. सो मिरेकल्स डू हैपन, बट प्लीज कीप इन माइंड वन मोर थिंग, डोंट वेट फॉर द मिरेकल्स टू हैपन टू यू फॉर एनीथिंग गुड. यू हैव टू डिवाइस योर ओन लाइफ, योर ओन फ्यूचर, योर ओन लेगेसी. मिरेकल्स डू हैपन, बट फॉर दोज हु डिवाइस दिस फॉर देमसेल्व्स एज वेल. सो प्लीज 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 कीप द फेथ इन मिरेकल्स, बट कंटिन्यू टू डू द हार्ड वर्क. नंबर 8, विल पावर एंड परसिवियरेंस. ये बड़ी जरूरी चीज है. अगर आपके अंदर विल पावर नहीं होगी, परसिवियरेंस नहीं होगी, तो ट्रस्ट मी यू विल डाई इन एनी केस. और आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप जाके एक थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा अपने आप को, जहां आप एक फर्क क्रिएट करेंगे दूसरों के साथ, फिजिकल नहीं बट मेंटल. और जो विल पावर है ना, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड. मेरे केस में विल पावर हेल्प मी इन गेटिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल बेड वेरी क्विकली. विल पावर हेल्प मी इन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द हॉस्पिटल बेड 30 डेज आफ्टर माई क्रैश. In my case, willpower helped me in traveling back on the same airline, on the same seat, on the same aircraft, because I wanted to get this out of my system. किसी fear के साथ जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है. और यही willpower की जरूरत है अच्छे ग्रेड लेने के लिए. टीचर की चापलूसी से नहीं होंगे, willpower से मेहनत करनी पड़ेगी और नंबर अच्छे लेने पड़ेंगे. So focus on that. Number 9, bold steps. अच्छा, यहाँ जो है ना वो ज़रा प्लीज़ एक चीज़ समझिएगा, मैं बिल्कुल ये आपसे नहीं कह रहा कि आप लोग कोई बदतमीज़ी करना शुरू कर दें और आप बहुत एग्रेसिव चीज़ें करना शुरू कर दें. डोंट डू दिस. कैलकुलेटेड बोल्ड स्टेप्स इन लाइफ. आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आप वो एंटरप्रेन्योरशिप पैदा ही नहीं कर सकते. एंटरप्रेन्योर होता ही वही है जो बोल्ड स्टेप्स लेता है, जिसके अंदर फियर नहीं होता और वो आगे निकल. वो फियर और बोल्ड स्टेप आदमी उस वक्त लेता है कि जब उसके अंदर एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ होता है. उस सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपसे कहाँ से आता है? उस सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आता है आपके पास फैमिली एंड फ्रेंड से. वो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर आता है फ्रॉम योर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. वो स्ट्रेंथ आपके ऊपर आती है कि वेन यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड यू कैन स्टिल गेट अवे विद दिस, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों. But you need to do the right thing. You have to draw a line, define that right thing, and follow that right thing. And last but not the least is communication. ये जो आज हम काम कर रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है. Communicate as much as possible. बात करें लोगों से, अपना discussion करें और open हो discussion के लिए with people as well. Communication अगर आपकी ठीक हो जाए और आप genuinely communication को pursue करें. मेरे पर्टिकुलर केस में अगर उन्होंने पहले स्ट्रेस अनाउंस कर दिया होता जहाज में, तो शायद कुछ और लोग भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते. जिस तरह वो मेरा जो दूसरे साथी थे वो बचे, उस तरह शायद कुछ और लोग भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेते और बच जाते. अगर वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होती बिटवीन द कॉकपिट एंड द कंट्रोल टावर, तो शायद ये लॉस होता ही नहीं टू बिगिन विद. एंड ये कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक कोशिश है इसमें कि मैं आप लोगों से ये यूनिक एक्सपीरियंसेस शेयर करूं जो आप लोगों को एक पोटेंशियल प्रॉब्लम से और एक तकलीफ से दूर रखे एंड मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ्स.